जिंदगी आगे आधी पागल वाली जिंदगी है। आधी पागल वाली जिंदगी ऐसा कहा है, कुत्ते के माफिक जो है काम करो, झाड़ू लगा के सो जाओ खा के। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल व्लॉग्स विद सुल्तान। आज का टॉपिक बहुत हटकर है, हर इंसान के जिंदगी से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि भारत की 75% आबादी से जो हमारे परदेशी भाई हैं, परदेश में कैसे जीवन जीते हैं उनके घर वाले, यहाँ तक कि उनकी पत्नी, उनके माता पिता उनका दर्द नहीं समझ पाते कि वो लोग कैसे। तो आज हम उस पर प्रकाश डालने की थोड़ी लाइव कोशिश करते हैं। देखिए, रात का समय है, यहाँ पर ऑफिस बन रहा है, यहाँ पर कारपेंटर भी लगे हुए हैं, फॉर सीलिंग वाले भी लगे हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल वाले भी लगे हैं। तो ये लोग भाई लोग बहुत थक जाने के बाद, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उसके बाद आने के बाद यहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। तो अभी इन भाइयों से मैं जानता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस है और कितना संघर्ष भरा इनका जीवन है, इसको समझना चाहिए लोगों को। तो साथियों, चलते हैं, ये लोग खाना खा रहे हैं, इन्हीं के पास चलकर सारी बातें जानते हैं कि कैसे यहाँ की लाइफ है और कैसे ये लोग जीते हैं। तो साथियों, ये देख सकते हैं, ये मन्नू भाई हैं, दिन भर काम करने के बाद यहाँ पर खाना खा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से टिफिन आता है और पलाई पर बैठकर ही लोग खाना खा लेते हैं। हमारे दो पंजाब के भाई हैं, ये भाई हैं। भाई क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार, क्या करते हो आप? हम कारपेंटर का काम करते हैं। कारपेंटर का काम करते हो। तो यहाँ पर आपकी जिंदगी कैसी है? जिंदगी कुत्ते जैसी है। कुत्ते जैसी है? काय कुत्ते जैसी है भाई? देख लो, खाना लेने खाते हैं। खाना कैसे है ये देखो, पैकेट में आता खाना पड़ रहा है। पन्नी में खाना खाना पड़ रहा है, पन्नी में खाना खाना पड़ रहा है। तो ये लोग भाई लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना मेहनत। भाई आपका क्या नाम है? नरेश कुमार। नरेश कुमार, आप भी बड़ाई का काम करते हैं? बड़ाई। तो यहाँ पर ये लोग देखिए काम करने के बाद, झाड़ू मारने के बाद यहीं पर झाड़ू मारेंगे, यहीं पर सो। पहले दिन भर यहीं काम सुबह से उठ के करते हैं, उसके बाद यहीं झाड़ू मार के खाना खाते हैं, यहीं पर सो जाते हैं। पता नहीं चलता कब सुबह हो जाती है, पता नहीं चलता कब, इतने थके होते हैं। तो काफी ज्यादा आप लोग संघर्ष करते हैं। यहाँ पर जिंदगी कैसी है? लेबर की जिंदगी आगे आधी पागल वाली जिंदगी है। आधी पागल वाली जिंदगी ऐसा कहा है, कुत्ते के माफिक जो है काम करो, झाड़ू लगा के सो जाओ खा के। पन्नी पे खाने का मजा ही अलग है। अच्छा। प्लेट में खाया, क्या खाया? कुछ नहीं खाया। नहीं, वो बाहर छोड़ के यहाँ आराम थोड़ी मिलेगा। नहीं तो ये जीवन संघर्ष भरा कैसा जीवन है लेबर वाला? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। नहीं अभी तो कम से कम भैया मेहनत कर रहे हैं, जो रोटी खाने को तो मिल रहा है, किसी के आगे हाथ फैलाने से तो अच्छा है। नहीं वो बात तो ठीक है। उसके अलावा ये देखिए बढ़िया दाल है, हरी मिर्च भाई खा रहा है। रुक जाओ अब हमारे। तो साथियों, अभी वीडियो में मैंने दिखाया कि घर पर ये उत्तर प्रदेश बिहार के लोग तो कैसे, तो साथियों अभी मैंने वीडियो में आपको दिखाया कि कैसे घर को परिवार को छोड़कर लेग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। लेबरों का दर्द मैंने दिखाया। तो एक सोचने वाली बात है, इसको मीडिया नहीं कवर करती, यूट्यूबर नहीं कवर करता, लेकिन ये 75% आबादी का दर्द है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों से आते हैं, जो गरीब तबका है वो कैसे रहता है, कैसे सर्वाइव करता है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को ध्यान देती नहीं, लेकिन हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। यूट्यूबरों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनको थोड़ा प्रमोट किया जाए, इनकी लोग हेल्प कर सकें। उसके अलावा अपने ही प्रदेश में लोगों को रोज़गार मिल सके, वो दूसरे प्रदेशों में पलायन ना कर सकें। तो वीडियो को पूरे भारत में फैला दीजिए, हर घर में वीडियो चलना चाहिए, हर आदमी ये देखना चाहिए।